मध्य प्रदेश के उज्जैन में इन दिनों कोरोना मरीजों के लिए मसीहा साबित हो रही नूरी खान ने एक बार फिर मानवता की मिसाल कायम करते हुए कोरोना से पीड़ित महिला नजमा को अच्छे उपचार दिलाने के लिए रोजे में सरकार के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए धरना दिया। आपको बता दें चले कि इन दिनों कोरोना महामारी काफी भयावह स्थिति में अपना रूप दिखा रही है। शासकीय कर्मचारी नजमा कोरोना वैक्सीनेशन के कार्य में ड्यूटी कर रही थी, इसी दौरान वे संक्रमित हो गई और उन्हें उज्जैन के शासकीय हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उनकी तबीयत काफी बिगड़ती गई और उन्हें ब्लड हैमरेज तक हो गया। इसकी जानकारी लगते ही नूरी खान उज्जैन हॉस्पिटल पहुंची और नजमा को अच्छा इलाज दिलाने के लिए डॉक्टरों से गुहार लगाती रही, लेकिन डॉक्टरों ने किसी तरह से नजमा को अच्छा उपचार नहीं दिया। रमजान के महीने में सरकार के खिलाफ अस्पताल के बाहर अकेली कांग्रेस महिला नेत्री नूरी खान को नियमों का पालन करते हुए धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार और उज्जैन का जो प्रशासन है वो गुंगा और बहरा हो चुका है। आज मैं सैकड़ों समर्थकों के साथ भी यहाँ पर धरना दे सकती थी, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए मैं यहाँ अकेले बैठी हूँ और मैं ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि नजमा जो कि एक कोरोना योद्धा है, नजमा एक शिक्षिका है जो कि वैक्सीनेशन के दौरान संक्रमित हुई, वैक्सीनेशन सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी जहां पर वो संक्रमित होती हैं और उनको ब्रेन हैमरेज हुआ। ब्रेन हैमरेज होने के बाद 5 दिन तक वो माधवनगर हॉस्पिटल में इलाज के लिए तड़पती रही। आज माधवनगर हॉस्पिटल से उन्हें सिविल अस्पताल में लाया गया है। दैनिक भास्कर की भी खबर है, जिस तरीके से आज एक कोरोना योद्धा को अगर इलाज नहीं मिल पाएगा तो आम आदमी के इलाज की क्या हालत होगी, ये सोचने वाली बात है। तो सरकारी अस्पताल के बाहर मैं बैठी हूँ, मेरी एक ही मांग है कि तुरंत नजमा जो कि शासकीय कार्य करने के दौरान संक्रमित हुई है उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करके उनका इलाज तुरंत चालू करवाया जाए। देर रात नूरी खान ने धरना खत्म किया और नजमा को खुद एम्बुलेंस चलाकर देर रात प्राइवेट अस्पताल की ओर निकल गई। नूरी को एम्बुलेंस चलाता देख लोग हैरान रह गए। नूरी खान ने बताया कि सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह फेल हो गई हैं। अनकॉन्शियस है और उनको झटके आ रहे हैं शरीर में, मिर्गी के जैसे होते हैं तो दिमाग पे प्रभाव पड़ा है। MRI की रिपोर्ट में जो है ब्रेन हेमरेज आया है और साथ ही उनकी ऑक्सीजन भी कम होते जा रही है लगातार, जो कि कोविड के भी लक्षण साथ मालूम पड़ते हैं। फीवर भी चढ़ रहा है उनको, ICU में इस समय पे हम लोगों ने भर्ती कर दिया कंडीशन देखते हुए, मगर यहाँ पर व्यवस्थाओं के अभाव के चलते यहाँ पर वो इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास में न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन दोनों ही अवेलेबल नहीं है, ना ही उतनी उच्च स्तर की जाँचें हैं। तो यहाँ पर जितनी सहायता हो सकती है उतनी हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, मगर इससे उनको ऊंचे लेवल के इलाज की जरूरत है। ये बात है कि सरकार द्वारा चल रहे वैक्सीनेशन में कार्यरत नजमा भी ड्यूटी के दौरान संक्रमित हो जाती हैं, उसके बाद उनका ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। 5 दिनों से वो अस्पताल में इलाज के लिए जद्दोजहद कर रही होती हैं। कल मैं सिविल अस्पताल पहुंची और वहां पर मैंने उनकी हालत देखी, डॉक्टरों से भी मुलाकात की, वहां पर न्यूरोसर्जन उपलब्ध नहीं थे। मैंने प्रशासन से मांग की कि इन्हें निजी अस्पताल में तुरंत भर्ती किया जाए, कोई सुनने वाला नहीं था। 3 घंटे तक मैंने वहाँ बैठकर धरना दिया, अपना रोज़ा भी वहीं पर खोला, लेकिन जैसे तैसे कर निजी अस्पताल में जब उनके लिए हम एक ICU उपलब्ध करवा पाए तो एम्बुलेंस नहीं मिली। सारे अस्पतालों में फ़ोन लगाने के बाद कहीं एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में एक निजी स्रोत द्वारा हमें एक एम्बुलेंस की सूचना मिली कि उनके घर पर एम्बुलेंस खड़ी है। तुरंत वहां में पहुंची लेकिन ड्राइवर वहां पर उपलब्ध नहीं था। ऐसे में एक कोरोना संक्रमित को ले जाने के लिए किसी और की जान में खतरे में नहीं डाल सकती थी। एम्बुलेंस की चाबी मैंने खुद ली, सिविल अस्पताल पहुंचकर नजमा बी को उस एम्बुलेंस में लेकर गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। तो तमाम कोशिशों के बाद आज ये दुख भरी खबर आती है कि नजमा बी हमारे बीच नहीं रही, और ऐसी अनेकों नजमा भी और अनेकों कोरोना योद्धा स्वयं इस सरकार और शासन की लापरवाही में दम तोड़ रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि एक कोरोना योद्धा के साथ अगर इलाज में लापरवाही की जाती है तो एक आम आदमी की क्या हालत होती होगी, ये सोचने वाली बात है। आप किसकी जिम्मेदारी मानते हैं इसमें? देखिए, साफ तौर से नजर आ रहा है कि 5 दिन से उसे इलाज की ज़रूरत थी, सही इलाज उसे नहीं दिया गया। प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को सोचना चाहिए था कि वो एक कोरोना योद्धा है जो वैक्सीनेशन की ड्यूटी करने के दौरान संक्रमित हुई थी और उसके इलाज की जवाबदारी भी सरकार की थी। तो ये सारा के सारा जो दोष है ये सरकार का और प्रशासन का है।
भोपाल से ब्यूरो चीफ सलमान अली की रिपोर्ट। आपको बता दें कि पिछले दिनों नूरी खान को ऑक्सीजन की आवाज उठाने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले पर दर्ज करते हुए थाने में बैठा लिया गया था, लेकिन कांग्रेस विधायक महेश परमार और वरिष्ठ नेताओं से बात करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य पर मानव सेवा करने के लिए नूरी दिन रात सेवा करने में लगी हुई है।